रैपिड दिल्ली के गति शक्ति भवन से चलेगा काम। दोस्तों आज हम दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के काम पर बात करने वाले हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम अब दिल्ली के गति शक्ति भवन से चलेगा। एनसीईआरटी का यह अपना मुख्यालय बना है। दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस उद्घाटन किया, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यह भी कहा है कि रैपिड रेल से नए पीढ़ी का हाई स्पीड सफर होगा। इसके साथ ही एक बार फिर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम स्पेशल मीडिया पर छा गया है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम करने वाली एनसीईआरटी का अब तक का कोई अपना भवन नहीं था। किराए के भवन में दिल्ली का काम किया जा रहा था। अब दिल्ली मेट्रो की तरह रैपिड रेल का भी अपना मुख्यालय दिल्ली में गति शक्ति भवन के नाम से जाना जाएगा। रैपिड रेल से होगा नई पीढ़ी का हाई स्पीड सफर। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा लाभ नई पीढ़ी को होगा। नई पीढ़ी का हाई स्पीड सफर रैपिड रेल से होगा। उन्होंने मेरठ गाजियाबाद और दिल्ली में चल रहे रैपिड रेल का काम के कई फोटो भी अपलोड किए। उन्होंने कहा कि रैपिड रेल से एनसीईआरटी के शहर के बीच की दूरी घट जाएगी। मुआवजे पर अड़े रहे भूस्वामी। प्रशासन के अनुसार गुरालम में जिस जमीन का प्रस्ताव था वह नागरिक के क्षेत्र में आता है, जहाँ शासन के आदेश के तहत दोगुना मुआवजा दिया जा सकता है। भूस्वामी चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े रहे, जो संभव नहीं था। ऐसे में प्रशासन से एनसीईआरटी के सहयोग से सिवाय में डिपो की जमीन चिन्हित कर ली है। एडीएम वित्त का कहना है कि अब जल्द आगे कार्रवाई होगी। रैपिड रेल का काम अब मोदीपुरम क्षेत्र में तेजी से होगा, अब और तेजी से होगा। कॉरिडोर का काम सिवाय में रैपिड रेल का मोदीपुरम डिपो फाइनल होने से अब इस प्रोजेक्ट का काम और तेजी से होगा। मोदीपुरम डिपो की जमीन का ही मामला अटका हुआ था। कमिश्नर डीएम लगातार इसे ये प्रयास करते रहे, लेकिन जब गुराला के किसानों ने नियमानुसार सर्किट रेट के दोगुने रेट पर जमीन देने से मना कर दिया, तो प्रशासन ने बाध्य होकर सिवाय में जमीन लेने का फैसला लिया। एडीएम वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में अधिकारियों ने शनिवार को मौका मुआयना भी किया। अब जल्दी सिवाय ही 71.58 हेक्टेयर जमीन को रैपिड रेल के डिपो के लिए फाइनल कर दी जाएगी। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में सब फॉलो कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।